मसाला को एकदम अच्छी तरीके से फ्राई किया जा रहा है। आज तेज है इसलिए हल्का पानी डाला गया है। 5-10 मिनट तक फ्राई होगा एकदम पूरा। हेलो फ्रेंड, बड़ों को प्रणाम और छोटों को हेलो। अभी हम प्लांट में हैं। प्लांट में इसमें संडे स्पेशल में चिकन कढ़ी बन रहा है। चिकन कढ़ी रहेगा, चावल रहेगा, आलू चोखा रहेगा और सलाद, ये सब रहेगा। आपको दिखाते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। तो फ्रेंड, आज फिर से प्लांट में इसमें संडे स्पेशल चिकन बन रहा है। इसके साथ सरसों तेल डाला जा रहा है। इधर ये देखिए, आलू और गोभी का सब्जी इधर बन रहा है। ये देखिए, तेल गरम हो गया, हल्का तेज पत्ता डाल दिया गया है। इधर लाल मिर्च और जीरा डालने की तैयारी चल रहा है। संडे स्पेशल चिकन बन रहा है। ये देखिए, जीरा और लाल मिर्च भी डाल दिया गया है। ये देखिए फ्रेंड, प्याज डाल दिया गया है। उधर से फूड का लाइट आ रहा है इसलिए ज़्यादा चमक रहा है। इसको ब्राउन होने पर एकदम पूरा फ्राई किया जाएगा। ये देखिए, बीच बीच में एकदम प्याज को चलाना पड़ रहा है। प्याज को एकदम छोटा छोटा हिस्सा में चॉप कर लिया गया है, काट लिया गया है। अभी और ब्राउन होगा। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्चा, हरा मिर्चा का पेस्ट बना के रख लिया गया है। इधर ये आलू गोभी का सब्जी, अभी आलू फ्राई हो रहा है। ये देखिए, गोभी और गाजर फ्राई होके रखा हुआ है। ये चोखा जो हम लोग का कंपलसरी है, उसके लिए ये प्याज और चावल बन गया है। ये देखिए बड़ा सा डिश में, और इधर भी चावल है, दो डेक में चावल है। देखिए एकदम गरम करना, और दाल बन रहा है अंदर में। इधर तो प्याज फ्राई हो गया चिकन के लिए। देखिए फ्रेंड, प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया था। अब ये चिकन डाल दिया गया है। चिकन ये 3 kg है, इसमें 10 से 13 लोग खाएंगे। पोल्ट्री वाला चिकन है। अब नमक डाला जा रहा है। नमक देकर हम पूरा सिझाया जाएगा, पूरा पानी छोड़ेगा चिकन। पोल्ट्री वाला में पूरा एकदम पानी लेट होता है, चर्बी रहता है ज़्यादा। संडे स्पेशल चिकन कढ़ी, मस्त चिकन बनेगा। यह देखिए, कुणाल भी चिकन बना रहा है। स्पेशली है चिकन, मटन, अंडा के लिए बहुत मस्त बनाते हैं भैया। देखिए एकदम चिकन कितना पानी छोड़ा है, ढक के सिझाया जा रहा है। अभी और फ्राई होगा, उसके बाद मसाला डाला जाएगा। देखिए एकदम ढका जा रहा है, ये दूसरा वो ढका जा रहा है, उसके बाद अब फिर मसाला डलाएगा। अब इसको खोल के देखा जा रहा है कितना चिकन पानी छोड़ा। कोयला का एकदम पूरा तेज है। कोयला गाज पे जल्दी बनता भी है, स्वाद भी अच्छा आता है। अब इसमें मसाला डाला जाएगा। ये देखिए, इधर लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था, और साथ में हरा मिर्चा। ये कितना सारा मसाला, हम लोग बिहार वाला मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब मसाला वाला चिकन बनेगा। पंखा बंद करो इसका। ये देखिए लहसुन अदरक का एकदम पेस्ट, अब ये फ्राई किया जाएगा 2 मिनट, उसके बाद और मसाला डाला जाएगा। मज़ा आएगा खाने में संडे स्पेशल चिकन, मसाला वाला चिकन।
ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगा, मोटा ग्रेवी बनेगा। ये जीरा पाउडर डाला जा रहा है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा। और ये ब्लैक पेपर माने गोलकी पाउडर, अब इसको अच्छे से एकदम पूरा चलाया जाएगा, फ्राई किया जाएगा। हल्दी भैया अभी और मसाला पड़ेगा, हल्दी, धनिया, चिकन, गरम मसाला, हल्दी मसाला डाला जा रहा है, हल्दी पाउडर। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिलाया जाएगा, फ्राई किया जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, अब चिकन मसाला डाला जा रहा है, ये चिकन मसाला पड़ गया है। अब कश्मीरी मिर्च डाला जाएगा कलर के लिए, ये आ गया कश्मीरी मिर्च, ये हम तो अपने रूम पे कश्मीरी मिर्च यूज़ नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं, यहाँ प्लांट में इसमें रखा जाता है। कोयला का एकदम पूरा तेज है, एकदम पूरा हीट हो जा रहा है, पकड़ने नहीं बन रहा है खोलने। आप ये देख सकते हैं चिकन का कलर कितना एकदम मस्त दिख रहा है, एकदम लहसुन का एकदम अच्छा सेंट आ रहा है, लहसुन अदरक का। थोड़ी देर में मसाला का भी एकदम पूरा सुगंध अच्छा आएगा। ये देखिए बस चिकन फ्राई हो रहा है, मसाला को एकदम अच्छी तरीके से फ्राई किया जा रहा है। आज तेज है इसलिए हल्का पानी डाला गया है, 5-10 मिनट तक फ्राई होगा एकदम पूरा। ये देखिए एकदम मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब टेस्ट करने के लिए फ्राई चिकन निकाला जा रहा है, हड्डी वाला निकलेगा भैया, और एक निकलिए खाएंगे सब। ये देखिए तो मसाला एकदम अच्छे तरीके से एकदम फ्राई हो गया। अब इसको थोड़ा देर में पानी डाला जाएगा, ये हम लोग के लिए टेस्ट करने के लिए निकाल लिया गया है। ये पानी को देखिए भूंजा जा रहा है, क्योंकि कोयला का जो बहुत तेज है, नीचे चिपक जाएगा नहीं तो बहुत बेकार लगेगा, जला हुआ चिकन ठंडे स्पेशल बेकार हो जाएगा, इसलिए पानी दे देंगे भूंजा जाए। एकदम मसाला पूरी तरीके से फ्राई हो गया, पानी डाला जा रहा है ग्रेवी अनुसार, आदमी अनुसार। संडे स्पेशल चिकन, ये देखिए स्वाद सर आ गया है। ये चिकन 2013 तक खाते थे, अभी छोड़ दिए हैं, अभी बहुत बड़का पंडित जी बन रहा है, बोला हम नहीं खाएंगे, ऐसे भी इनको देने वाले है नहीं, तब भी ये देखिए पानी दे दिया गया, अब ढक दिया जा रहा है 4-5 मिनट के लिए, तब तक ये टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा बना है। ये इधर देखिए आलू गोभी का सब्जी, देखिए फ्रेंड फ्राई चिकन टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा बना है, मसाला वाला फ्राई। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पानी देने के बाद देखिए ग्रेवी कैसा रखा है, अभी तो बहुत ज़बरदस्त बना है। हमको पोल्ट्री फार्म का हड्डी वाला ज़्यादा पीस अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ठीक है। एकदम चिकन बन के एकदम फाइनली रेडी हो गया, उतारा जाएगा। फ्राई में तो बहुत अच्छा लगा था, ग्रेवी के साथ आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। ठीक है फ्रेंड, सब कटोरा लगा लिया गया है भैया, चिकन, हाँ चिकन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
ये देखो सबको चिपकने लग जाएगा। इधर देखिए, इधर रोटी और चोखा। मनीष भैया भी आज, मनीष भैया रोटी भी खाएंगे, चावल एकदम कबाड़ देंगे धर के, मैंने ज़्यादा खाएंगे सॉरी। उधर आशीष भी रोटी, इधर सबका चिकन लग रहा है। मेरा कौन सा है भैया, ये वाला ना, जोर चल रहा है, चचर के सब का उठा रहे हैं। मेरा भी फोन खोज रहा है। ये भैया ये देखिए, ये मेरा चिकन। ये देखिए फ्रेंड, दोपहर के खाने में आलू चोखा, ये रोटी चिकन। इधर ये देखिए मनीष भी चालू हो गया, हाँ रोटी भी खाएंगे, चावल भी, चार रोटी बोल रहे हैं और चावल भी खाएंगे। चिकन बना है ना, इसलिए आज ज़्यादा खाएंगे। मनीष भैया देखिए यहाँ आया हुआ, एक सप्ताह हुआ है, एकदम चेहरा पे ग्लेजिन दिखने लगा है, आशीष खा रहा, हंस रहा है, तो हम भी खाते हैं। आपको टेस्ट बताते हैं। मनीष भैया कैसा टेस्ट है बताइए, बोल रहे हैं बहुत अच्छा बना है, हम भी टेस्ट करके बताते हैं। अच्छा बना है, सलाद दीजिए, देखिए सलाद भी है, अब खाते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं।